नमस्कार, आपने मेडिसिनल यूजेज ऑफ हल्दी पार्ट वन के अंदर स्किन डिजीजेस के बारे में और मेडिसिनल यूजेज ऑफ हल्दी पार्ट टू के अंदर अर्थराइटिस और टॉन्सिलाइटिस के बारे में देखा, सुना, समझा और अब इसी मेडिसिनल यूजेज ऑफ हल्दी पार्ट थ्री के अंदर आप वायरल इन्फेक्शन से बचने के लिए, उसको दूर करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए, उसको कंट्रोल रखने के लिए, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और साथ में डायबिटीज़ के बारे में हल्दी का कैसे उपयोग कर सकते हैं, कैसे प्रयोग कर सकते हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। आप उसको ज़रूर से फॉलो करेंगे, ऐसी मेरी आपके साथ शुभकामनाएं, आपको ज़रूर उसका लाभ मिले। कोरोना हो या स्वाइन फ्लू हो या सार्स या फिर डेंगू जैसे वायरस संक्रमण, ये किसी को भी प्रभावित कर उसकी जान जोखिम में डाल सकते हैं। ये रोग उन्हीं को ज़्यादा प्रभावित करते हैं जिनके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी रोगों से लड़ने की, उन्हें मार गिराने की क्षमता यानी इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है। आपका इम्यून सिस्टम यदि मजबूत है तो इस तरह के संक्रमणों का कोई डर नहीं रहता, क्योंकि आपका शरीर इसका मुकाबला कर सकने के लिए तैयार है। हमारे रक्त में वाइट ब्लड सेल्स इस सिस्टम की सबसे महत्वपूर्ण सिपाही हैं, तो वहीं लीवर, स्प्लीन, बोन मैरो और लिम्फेटिक ग्लैंड्स सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं। शरीर की सुरक्षा में लगे इम्यून सिस्टम के इन योद्धाओं को स्वस्थ व मजबूत बनाए रखने में हल्दी भी अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसके बिना इम्यून सिस्टम के इन योद्धाओं का बिना हथियार के लड़ने वाले सिपाहियों की तरह ही होगा। ऐसा ना हो इसके लिए आप अब क्या कर सकते हैं, यानी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको हल्दी का उपयोग कैसे करना। सर्वप्रथम आप 250 ग्राम हल्दी की गांठें और 500 ग्राम खाने वाला चूना ले लेवें। इस बात का ध्यान रखें कि चूना पाउडर फॉर्म में न होकर मोटे टुकड़ों के रूप में हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। दोनों को आप एक मिट्टी की हांडी में भरकर उसमें करीबन 2 से 3 लीटर पानी भर देवें। अब आप देखेंगे कि पानी के कारण चूना खत बदाने लगता है, तो आप तुरंत हांडी का मुंह अच्छी तरह से ढक्कन लगाकर बंद कर दें। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए तो मिट्टी के ढक्कन से फिर कपड़े से हांडी को अच्छी तरह पैक कर रख दें। इसे धूप से बचाकर रखना चाहिए, कुछ दिनों तक इसे ऐसे ही पड़ा रहने दें। जब आपको लगे कि इसका पानी पूरा सूख गया है तो हल्दी की गांठों को निकाल लें। इस प्रकार इस प्रोसेस को कम से कम 2 बार यानी रिपीट कर लेवें। अंत में उन्हें कपड़े से अच्छी तरह पोंछ लें तथा कूट पीस कर बारीक पाउडर बना लें और इस पाउडर को एयर टाइट डिब्बे में भरकर रख लें। अब इसकी प्रतिदिन सुबह खाली पेट 2 से 3 ग्राम पाउडर यानी चने के बराबर तथा 1 चुटकी काली मिर्च व शहद मिलाकर ले लेना चाहिए। परंतु ध्यान रखना कि आधे घंटे तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। ठीक उसी प्रकार से डायबिटीज़ के लिए जब ज़्यादा प्यास लगना, ज़्यादा भूख लगना, जल्दी जल्दी मूत्र आना ऐसा लगता हो, बच्चों को कई बार रात्रि में सोते समय मूत्र आना, सुस्ती रहना, थकान रहना, वजन कम होते रहना, आँखों की रोशनी का कम होना या धुंधलापन लगना, पैरों में जलन, पिंडलियों में दर्द, खुजली, घाव का देरी से भरना, बार बार इन्फेक्शन होते रहना, ऐसी स्थिति डायबिटीज रोग होने के सूचक हैं। यदि ऐसी स्थिति बन रही हो तो आप हल्दी का उपयोग ऐसे कर सकते हैं, 200 ग्राम दाना मेथी को अंकुरित कर सुखाकर रख ले में। अब इसमें आप 100 ग्राम मोटी वाली सौंफ तथा 100 ग्राम आंवला पाउडर तथा लगभग 50 ग्राम कच्ची हल्दी पाउडर मिलाकर इन सब को कूट पीस कर अच्छा सा पाउडर बना लें। अब इस पाउडर को आधा चम्मच प्रतिदिन लंच और डिनर करने के करीबन 10 मिनट पूर्व
आप गुनगुने पानी के साथ इसको लो। ऐसा करने से डायबिटीज रोग पूर्ण रूप से आपके नियंत्रण में रहता, चाहे वो फिर इंसुलिन डिपेंडेंट हो या फिर नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट हो।